ऑल पाकिस्तान अंडर 16 स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 आज का ये फाइनल खेला जा रहा है जीएचएसएस बफा वर्सेस जीएचएसएस कड़ी हबीबुल्ला। बफा ने पहले बैटिंग करते हुए आज 180 रन्स का टारगेट दिया घड़ी हबीबुल्ला को। और आज हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट मौजूद हैं अनवर जेब जान चेयरमैन केपीके क्रिकेट एसोसिएशन, और उनके साथ साथ आमर नवाब जो के एक्स मेंबर कॉर्न बॉडी पीसीबी और उसके साथ साथ क्रिकेट एसोसिएशन केपीके के मेंबर हैं, वो आज ग्राउंड तशरीफ हैं आज का फाइनल देखने के लिए। आज का एक अच्छा फाइनल ये खेला जा रहा है बफा वर्सेस घड़ी हबीबुल्ला। टोटल 17 टीम ने पार्टिसिपेट किया डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में, और आज का ये फाइनल में पहुंचने के लिए कामयाब हुई है बफा और उनके मद मुकाबल घड़ी जो कि ठाकरा स्टेडियम में खेला जा रहा है। और एक बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट मौजूद, और उसके साथ साथ हमारे सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के हेड कोच आमर अल्ताफ जिनकी दिन रात काविशों की वजह से एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ, एक वेल मैनर्ड आप कह सकते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा हुआ, कोई मिसबिहेव नहीं हुआ, ये टोटल आमर अल्ताफ की काविशें हैं कि जिन्होंने एक अच्छा वेल मैनर्ड टूर्नामेंट कराने में कामयाब रहे। और इसके साथ साथ हम आज के हमारे साथ मौजूद हैं कैफे प्रोडक्शन जिन्होंने आज के फाइनल्स को वीडियो रिकॉर्डिंग ड्रोन की सूरत में नजर आई कैफे प्रोडक्शंस। थैंक यू कैफे प्रोडक्शंस। आज के लिए
उन्होंने अपना कीमती भक्ति काम कर स्कूल के बच्चों को दिया। हम उनके इंतहाई मशहूर हैं कि इस तरह स्कूल के बच्चों की हौसला अफजाई की उन्होंने। अनुभव जोशान और आमद मोहन अपनी बहुत ही टीम के साथ शैकी से बताते चले कि आज का जो फाइनल खेला जा रहा है वो बटा वर्सेस गरी अभिमन के दरमियान और पंद्रह रनों में खेलते हुए 180 रन का हदफ दिया गरी अभिमन को। और मेरी तरफ से अहमद को बहुत बहुत अप्रिशिएट, उन्होंने 6 विकेट ली एक अच्छे मैच में, एक अच्छे फाइनल में, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। काफी जोश और खरोश पपा के प्लेयर्स और उनके सपोर्टर्स की जानिब से देखने को नजर आया। दोनों टीमों से गुजारिश है जल्दी जल्दी लाइनअप कर लें, सेरेमनी होगी फिर उसके बाद नमाज का टाइम है। दोनों टीमों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द लाइनअप हो जाए। हमारे चीफ गेस्ट आज अंदर से जान चेयरमैन कैपिटल क्रिकेट एसोसिएशन और उनके एक्स मेंबर रह चुके हैं वर्ल्ड पैडी पीसीबी के। दोनों टीमों से गुजारिश है और उनके ऑफिशियल को जल्द अज जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए, लाइव हो जाए। दोनों टीमें लाइनअप हो जाए प्लीज। मुबारकबाद जीएचएस बफा को और हाई लक जीएचएस गरीब गुल्ला को, बेटर लक। साथ साथ जरिया अब्दुल्ला के अहमद जिन्होंने आज 6 विकेट्स ली, उनसे भी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर आ जाए। और असिस्टेंट जी ये तो मंसेरा आपके, उनसे गुजारिश है कि उनको अपने हाथों से ट्रॉफी दें।
उसके साथ साथ टूर्नामेंट के बेस्ट फील्डर का शामिल कर दिया जाएगा, जिनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस फील्डिंग में पूरे प्लेयर में सबसे अच्छी रही शामी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट शामी। उनको ट्रॉफी देने के लिए मैं बटू मामा से गुजारिश है कि आप बेस्ट फील्डर को दे दें ट्रॉफी। और इसके साथ साथ 1000 कैश प्राइज दिया बटू मामा ने शामी को, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट। और इसके साथ साथ आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है अमर नवाब का, जो कि एक्स मेंबर है वर्ण पार्टी पीसीपी के और क्रिकेट एसोसिएशन कैपिटे के मेंबर, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाए और अपने ख्याल का इजहार करें, उनकी ट्रैकिंग की जाए। चेयरमैन के जबूर शाहमान भाई, उसके अलावा क्योंकि जुमे की नमाज का वक्त है, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, वो बात करेंगे, वो ग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे। और मनसेरा में इन्होंने पहले भी कोशिश की थी, उनकी ग्राउंड पे और हजारे कुश्ती के ग्राउंड इन्होंने बनवाए थे, और लेकिन ये है कि अब वो ऑपरेशनल नहीं है, इसके हवाले से अल्लाह ने करम किया है। हमारे वहाँ रिप्रेजेंटेशन दे और अल्लाह करेगा जितनी मेहनत आप करोगे इतने ही आगे जाओगे, आपका हक भी मारा जाएगा, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा। जुमे की नमाज नजदीक है जी, और मेरी तरफ से बहुत ही मेहरबानी और मुझे बहुत खुशी हुई है इधर आकर मानसेरा, और आपके मसाइल मैं हल करूंगा जैसे भी। हार्ड लक, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अच्छा खेले आप। इसके बाद में फिल्म कैप्टन जीएसएस बाबा के कैप्टन से गुजारिश करता हूं, और इसके साथ साथ हमें चीफ गेस्ट हमारे आनंद जोरजान, उसके साथ वेदन सुवाती, और उनसे गुजारिश है कि तमाम इसके साथ साथ जीएचएस बाबा के प्रिंसिपल वो भी आज स्टेज पर, ताकि ये कीमती लम्हात में आप अपने कैप्टन के साथ हो। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन अगेन टू जीएचएसएस बब्बा, हार्ड लक टू बहुत बहुत शुक्रिया। लोग चीफ गेस्ट के मेहमान जो है साथ